दोस्तों, मेरा नाम है वैसरियाज। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो है वाल्टन रेलवे स्टेशन पे आया हूँ। तो आज मैं जो है पहला ट्रैवलिंग व्लॉग है, तो हमने कहाँ जाना है वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम टिकट ख़रीदेंगे। वैसे तो ट्रेन लेट है, पहले हम आपको टिकट लेंगे फिर आपको बताएँगे कि हमने कहाँ जाना है। चले हैं दोस्तों, हम स्टेशन के अंदर आ गए हैं। ये यहाँ का टिकट घर है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। किराया नामा, ये देखें दोस्तों। मैंने वाल्टन स्टेशन को पहले भी एक्सप्लोर किया हुआ है, उसका उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमारी ट्रेन जो है काफ़ी लेट हो गई है, उसका टाइम था 6:30, लेकिन वो 2 घंटे लेट हो गई है। स्टेशन मास्टर साहब ने कहा कि वो 8:30 आएगी। अब पता नहीं कि कंफर्म नहीं है कि ट्रेन कितने बजे आएगी, उससे पहले भी आ सकती है या उससे ज़्यादा लेट भी आ सकती है। दोस्तों ये देखें, स्टेशन मास्टर का कमरा है। ये साथ में जो है देखें, ये फूल लगे हुए हैं, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोस्तों, अभी जो है हम सुबह नाश्ता नहीं करके आए थे, तो अभी हम एक शॉप पे आए हैं जिसपे हमने नाश्ता करना है। तो चले आए हम, अब आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये शॉप का नाम है गोल्डन नान शॉप। ये देखें, ये सारे रेट लिखे हुए हैं, ये दुकान। तो हमारा नाश्ता जो आ गया, अब हम इसको खाने लगे हैं। नान चने और ये नान है, ये मेरे मामू भी आए हुए हैं साथ। तो दोस्तों, अब मैं इसको टेस्ट करने लगा हूँ, तो और आपको दिखाते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट है। बहुत मजेदार का टेस्ट, वेरी गुड। और सभी आपको गरम गरम नान है और गरम गरम चने, बहुत जायका भी बहुत। ये देखे दोस्तों, ये मशीन है जो सामान होता है ये इसके ऊपर रख के फिर इसे तोलते हैं। जी, ये तोल गया। ये देखे दोस्तों, ये पटरी पे लिखा हुआ है 1957, और ये जो पटरी है ये वाली, ये 1957 में बिछाई गई थी ये वाली। जो आप लीवर देख रहे हैं, ये भी पहले किसी ज़माने में यूज़ होता था गाड़ी को मेन लाइन से लूप लाइन पर लाने के लिए, लेकिन अब ये भी इस्तेमाल में नहीं आ रहा, ये भी अबैंडन्ड है। ये देखें दोस्तों, गाड़ी का टाइम था 6:30, लेकिन अब 9:20 हो रहे हैं और गाड़ी अभी तक नहीं आई। तो अब देखते हैं गाड़ी कब आती है, तो फिर हम आपको दिखाएँगे। अब देखे दोस्तों, ये मेरे मामू के पास ड्रोन है, उन्होंने ड्रोन उड़ा दिया है। दोस्तों 10:04 हो रहे हैं और फरीद एक्सप्रेस जो है वाल्टन स्टेशन पे आ गई है।
ट्रेन में चढ़ रहे हैं, इसके अंदर आ गए हम। ये देखें दोस्तों, हम ट्रेन में आ गए हैं। कैबिन जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये देखिए कोट लखपत पे पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि कैबिन कितना को भर जाएगा। दोस्तों ये देखिए हम कोट लखपत पे पहुंच गए हैं और ये ट्रेन लेट हुई हुई है, तो देखिए यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए दोस्तों, कोट लखपत स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं। इसको भी मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है, उसकी मैं भी आपको दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। पहले ट्रेन यहाँ पे रुकी है और ट्रेन का डिपार्चर विसल हो गया है, तो चले आए हम, अब गाड़ी में चलते हैं। सारा लोहा बन रहा है यहाँ पे, पूरी फैक्ट्री अबैंडेड है। स्टेशन की बिल्डिंग देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है। ये देखें हम रायवंड जंक्शन पे पहुंच गए हैं, अभी यहाँ पे गाड़ी ने स्टॉप किया थोड़ा सा। ये देखें पीछे रायवंड जंक्शन है। वो जो हमारी गाड़ी ने है ना रायवंड जंक्शन से कसूर ब्रांच लाइन की तरफ मुड़ना है, तो हम वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देखें रायवंड स्टेशन से गाड़ी जो है हमारी डिपार्चर कर रही है। हाँ जी, ये रायवंड जंक्शन की पुरानी बिल्डिंग है। दोस्तों ये देखिए हमारी ट्रेन जो है ब्रांच लाइन की तरफ मुड़ गई है। ये देखें ब्रांच लाइन का सफ़र ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि
खूबसूरत होते हैं। ये देखें गाड़ी जो है कर्व हो रही है अभी। वाओ मज़ा ही आ गया। ये देखें GU-40 लीड कर रहा है हमारी ट्रेन को। ये देखें दोस्तों ये पूरी ट्रेन कर्व हो गई है। ये देखें पीछे से सारी ट्रेन जो है कर्व हो के आ रही है। ये देखें दोस्तों ये कितना ज्यादा हिल रहा है, फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल दरवाजे के साथ है। दोस्तों ये देखें ये जो स्टेशन है स्टेशन का नाम है रऊफ खान वाला। दोस्तों ये जो आप पटरी देख रहे हैं ये है वाई टर्नटेबल। यहाँ से जो लोकोमोटिव है अपना वो अपना रुख चेंज करके आता है। ये देख सकते हैं आप। ये देखें ये कसूर जंक्शन पहुँच गए हैं हम। ये देखें दोस्तों ये कैबिन हैं, ये इन पे जंग लग गया हुआ है जो हादसे में इन पे आग लगी हुई थी। ये देखें दोस्तों ये कसूर जंक्शन की पुरानी बिल्डिंग। और ये देखें दोस्तों ये है कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। हम जो है कसूर जंक्शन पे उतर आए हैं और अब हम जो है लोकोमोटिव की तरफ जा रहे हैं अपने ट्रेन की। ये देखें दोस्तों ये हमारा लोकोमोटिव डीकपल हो गया और ये अब रुख चेंज करने के लिए जा रहा है। GU-40-4558 इसका नंबर है। ये हमारा GU-24-558। दोस्तों ये देखें ये जो है लोकोमोटिव वापस आएगा। ये देखें ये लोकोमोटिव जा रहा है। तो ये देखें ये रेलवे का डाक बंगला है। ये देखें ये चेक करें कितना खूबसूरत है। काफ़ी अच्छा डाक बंगला है, काफ़ी खूबसूरत है। हरे भरे यहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं, बहुत पुरसकून है ये। ये देखें इसकी कपलिंग।
पहला डिपार्चर विसल कर दी है। बहुत तेज आवाज आई है इसकी। ये देखें दोस्तों, फरीद एक्सप्रेस ने दूसरा डिपार्चर विसल भी कर दिया है और ट्रेन जो है रवाना हो रही है कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। जंक्शन से मेन लाइन पे चढ़ जाएगी और सीधा कराची चली जाएगी।